नमस्कार सर नमस्कार सर जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार नायक सर सर कहाँ से हैं आप मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ सर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली मैं 2013 मार्च महीने में लिया था भगत जी सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे मैं कुछ भक्ति नहीं करता था ऐसे घर में जो पूजा पाठ करते थे पिताजी लोग और हमारे घर में शुरुआत से सत्संग वगैरह होता था सभी देवताओं को मानते थे लेकिन मैं कोई ये पुस्तक को वगैरह कभी पढ़ता नहीं था उतना ज्ञान मेरे को नहीं था ये अक्षय जी आपने बताया कि आप कोई भक्ति साधना नहीं करते थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए ये तो बहुत बड़ा एक कहानी है सर जी ऐसे हुआ मेरा एक दोस्त है यहाँ पास में वो तीन महीने 2013 में वो मैं मार्च महीने में नाम लिया वो जानवरी में दो महीने पहले नाम लिया था वो बरवाला कर हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज से तो बाइक में हम लोग सम्बलपुर जा रहे थे टाउन में घूमने के लिए वो मेरे को बोला कि एक परमात्मा का अवतार है संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब के अवतार हैं तो मेरे को परमात्मा नाम से वार्ड में पहली बार उसके मुंह से सुना तो मैं बोला कि परमात्मा क्या है तो पहले ये मेरे को बता मेरे को परमात्मा का वार्ड तेरे मुँह से सुन रहा हूँ वो मेरे को समझा ऐसे, ऐसे ऐसे परमात्मा को भगवान बोलते हैं जो सृष्टि का पालन करता है और सबका धारण पोषण करके उद्धार करता है तो मैंने बोला कि इससे क्या फ़ायदा भाई तू तो लिया है ले और मेरे को क्यों बता रहा है मेरे ये ज्ञान ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसने कहा कि तेरा जो दिक्कत है तो डॉक्टर होकर भी ए, हर रोज़ दवाई खाता है हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करता है ये स्टोन वगैरह है तो एक बार चल ये नाम लेने से अगर तू सही विधि से भक्ति करेगा तो सब सब छूट जाएगा मैं बोला कि ऐसे कैसे छूट जाएगा तीन चार साल से मेरा क्योंकि बचपन से सर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है यूरिक एसिड मतलब क्या होता है ये सब में गांठिया हाँ वगैरह में दर्द होता है और ये एसिड की वजह से किडनी में स्टोन क्रिएट करता है ये ये जब जिसको यूरिक एसिड होता है ना सर इसको मतलब बचपन से मरते दम तब ये कभी जाता नहीं है ये रोज़ाना दवाई खाना पड़ता है और इसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसमें किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है और वो बोले कि ग्यारह एम तक तो आपका जो किडनी से जो पाइप जाता है वो ब्लाडर में वो ग्यारह एम तक तो मतलब इलास्टिक होता है ग्यारह एम तक तो स्टोन वो डिजल होकर चले जाता है लेकिन मेरा चौदह एम एम था वो बोले कि ये नहीं जाएगा आपको आप कटक चलो वो तो कटक के थे और जब मैं छुट्टी में जाऊँगा तो लेजर से इसका ऑपरेशन करा लेंगे और मेरा पहचान है वहाँ पर तो ठीक मेरे को मार्च महीने ही जाना था और उनका छुट्टी में तो मैं बोला नहीं भाई मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊँगा और मैं आश्रम नहीं जा सकता तो बोला कि अरे भाई ऑपरेशन क्यों कराएगा बहुत सारे बीमारी लोगों का छूट जा रहा है उनका भक्ति से तो मैं लगा ठीक चल लेते हैं इतना तो बोल रहा है तो फिर मैं बोला ठीक ये थोड़ा घूमने आएंगे दिल्ली वगैरह ऐसे सोच के मैं गया था ये नहीं सोच के गया था कि मेरा स्टोन वहाँ से मतलब ठीक हो या कोई अलग मेरे को फ़ायदा मिले सतलोग आश्रम बरवला हरिडा में जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए ना सर वो पहले से मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो बहुत बुजुर्ग वो वहाँ पे बैठे थे जो भगत बोलते हैं और वो बोले कि भगत जी पहले आप लोग नहा धो के भंडारा कर लो ऐसे मतलब अपनापन मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था आश्रम में जब घुसा में तो वहाँ से हम लोग भंडारा वगैरह ले लिए और फिर नाम दिखिया में बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे तो मेरा एक दोस्त गांव का है संजीव है वो भी मेरे साथ बचपन बच्च, का दोस्त है वो मेरे को कहने पे चला गया था वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं करता था हम माज मछली बहुत खाते थी तो भगत जी हम लोग जैसे नाम दिखाया लेने के लिए बैठे मैं देखा वो नियम जो था ना भगत जी मतलब ऐसा नियम था कि आपको कोई शराब नहीं पीना है कोई गुटखा नहीं खाना है माज मछली सेवन नहीं करना है ऐसा जो नियम था मेरे को मेरा मन में मतलब वो बिल्कुल हलचल कर दिया और जो नियम और वो हमारे समाज में जितना भी बुराइयाँ चल रहा है वो मतलब समाज के मतलब उपकार के लिए बिल्कुल फिट बैठता था समाज के फ़ायदे के लिए समाज के सुधारने के लिए तो बचपन से मैं थोड़ा समाज से भी हूँ और मेरे पिताजी जब मैं पहले मेडिकल पास किया तो मेरा पिताजी बोले कि तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो किसी से फीस मत लेना जितना में दवाई का मिल जाता है ट्वेंटी परसेंट में बीस परसेंट में उतना में हम घर चला लेंगे और पगड़ जी आज हो गया बीस साल हो गया मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ ठीक है भाई नाम ले लेते हैं अगर जो हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो बाद बाद में देखेंगे नहीं तो छोड़ देंगे इसमें क्या है ऐसे सोच के हम लोग सर नाम ले लिए और मेन लाइन में लगा मैं बोला कि गुरु जी ऐसे ऐसे है मेरा और बहुत दिक्कत है सालों से है और ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा जबकि मैं खुद से डॉक्टर हूँ और ये यूरिक एसिड का और दवाई कितना लूँ स्टोन का बढ़ जा रहा है और कम नहीं हो रहा है और मैं डाइट भी फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ गुरु जी सिर्फ इतना बोले कि ठीक हो जाएगा बेटा ठीक हो जाएगा बोले इतना बोले और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए सिर्फ ये जो हाथ रख दिया मेरे को कुछ बॉडी में कुछ हलचल मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है ऐसा लग गया गुरु जी पर हँस के चले गए मैं खोजा मतलब ये सब खोजा कि ये जो गुरु जी जो प्रथम मंत्र जो देते हैं जो कमल वगैरह जो बोलते हैं मैं उसमें पाया भगत जी हमारे साइंस में है भी वो जो कमल जो गुरु जी पहला मंत्र जो देते हैं जो हमारा जो कमल वगैरह बोल बोलते हैं कंड कमल जो बोलते हैं हृदय कमल जो बोलते हैं जो कमल वगैरह में गुरु जी जो डिफाइन करते हैं उसमें साइंस में प्रूव है अगर आपका वो कमल खुल जाता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा तो मैं ध्यान से वो मंत्र जाप किया एक महीने चार महीने बाद मेरे को सदना मिला सर आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इतना सालों तक तो मैं मतलब इतना सफ़र था ये दवाई के बारे में मेरे पिताजी हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे पिताजी बहुत नेक आदमी थे और वो बोल रहे थे कि कभी किसी का बुरा मत करना किसी से ठक के मत कमाना किसी को लूट ज़्यादा तकलीफ मत इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता था तो उतना मेरा नहीं चलता था क्लिनिक में प्राइवेट डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी हूँ मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था जितना होता था उतना मैं बहुत मुश्किल से चलता था हम लोग कर्ज ले चलते थे मैं डॉक्टर होने के बाद भी मेरे पिताजी बोले कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले उस टाइम एट हंड्रेड मर्दी का था तू चल नहीं पा रहा है ठीक से दर्द के कारण लेकिन गुरु की दया से बिल्कुल मेरा दर्द उतना मतलब कम हो गया मेरे को बॉडी बिल्कुल फ्री लगने बिल लगा और जब मैं आया मैं पिताजी को बोला पिताजी क्योंकि भगवत प्रेमी थे हर महीने हमारे घर में सत्संग होता था एरिया के सब लोग जानते थे मेरे पिताजी को और सब देवी देवता हनुमान हनुमान पूजा तो हर महीने करते थे मेरे पिताजी मैं ज्ञान गंगा पुस्तक दी मेरे पिताजी को और बोला कि पिताजी यही परमात्मा है अब बिल्कुल ये ये झूठे चक्कर में मत पड़ो अब आप मैं अपना जीवन कल्याण कर करा लो मैं इसका जीता जगता आपका प्रूब हूँ और उस टाइम ना भगत जी मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा चुका था अल्ट्रासाउंड करा चुका था जो स्टोन मेरा दवाई में बिल्कुल नहीं खाया बिल्कुल सब शख्य रखे कर रहा एक भी दवाई में नहीं खाया जब नाम लिया था तो ना भगत जी जब मैं अल्ट्रासाउंड किया जाके चौदह एमएम का जो स्टोन था ना भगत जी वो राइट साइड में भगत जी वो चार एम एम का हो गया परमात्मा की दया से तो वो मैं जब डॉक्टर को दिखाया मेरा प्रोफेसर जो क्लिनिक में आते थे बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है आप एक बार फिर चेक करा लो फिर मैं दूसरी में जाके चेक करा तो वो फोर चार पॉइंट फोर एम एम आया वो एक दो पॉइंट का इधर उधर आता है अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बोले कि ये ऐसा नहीं हो सकता आप कुछ ना कुछ दवाई खाए हैं और मैं बोला कि आप तो बोले सर दवाई में ये ठीक नहीं होगा आप लेजर से जाके ऑपरेशन करा लो फिर वो बोले कि सही तो बोल रहे हो और वो बोले कि ये रिपोर्ट भाई सही नहीं होगा आप कटक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो क्योंकि वो साइंस को मानते थे चमत्कार होते हुए भी बावजूद वो मतलब लेकिन मेरे अंदर मेरे आत्मा जाग चुकी थी कि मेरे को परमात्मा मिल गया है और बचपन से मैं इतना माज मछली खाता था मैं मेरे गाड़ी पे लेके दोस्तों को लेके बहुत कभी नशा नहीं करता था मेरे पिताजी के बस से कभी कोई नशा चीज़ छुआ नहीं हूँ लेकिन माज मछली बहुत खाता था एक बार ऐसा हुआ ना मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना भगत जी मैं प्रथम मंत्र को नहीं जपा था साढ़े ग्यारह बज गया था उसका साखी मेरा भगवती है सो गया था मैं क्लिनिक से आके साढ़े ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे खुद संत रामपाल जी महाराज मेरे सपन में आके बोले कि बेटा तुम मंत्र नहीं किया है और इससे नाम खंड होता है तो मंत्र जप के सो मैं धड़क से मेरा नींद खुल गया प्रथम मंत्र जपने में गुरु जो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है बिल्कुल ज्ञान से और साइंस से बिल्कुल वो खाप खाता है बिल्कुल इक्वल है वो गुरु जी जो जो कमल जो खोलने के बाद जो सत्संग में बताते हैं वो बिल्कुल इक्वल है उससे हमारा शरीर तंत्र ठीक होता है एक बार ऐसा हुआ मैं क्लिनिक से आ रहा था मेरे पीछे एक बैठा था और नाम नहीं लिया था एक मार्केट था वहाँ पे और एक ट्रक आया एक ट्रक आया और वो मार्केट में जो पत्थर वगैरह रख के जो लोग सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं उसमें एक चक्कर लग गया और मेरे को वो बिल्कुल धक्का दे दिया एर एक सिर ना भगत जी दूसरे चक्कर में मेरे आ गया लोग बोल रहे थे मैं सुन रहा हूँ कि इसका सिर नहीं है मैं सुन रहा हूँ इतना, इतना इसका सिर नहीं है और बहुत दिनों तक मेरे यहाँ पर टायर का निशान था फिर हमने वो बिल्कुल नर्सिंग आए और डॉक्टर बोला कि तो बाल बाल बच गया कुछ नहीं हुआ मेरे को एक खरज तक नहीं आया फिर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना चंद रामपाल जी महाराज से फिर मेरे भगतवती ने प्रार्थना लगाया अर्दस लगाया तो गुरु जी ने बोला कि इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इसके जीवन में हैं जो कि ये सद्भक्ति से इसको कट जाएंगे और परमात्मा उसको फिर से नया जीवन देते रहेंगे बहुत सारे ऐसे आएंगे बेटा घबराना मत ठीक से भक्ति करो बोले सर आपके पिताजी एक नेक डॉक्टर थे और आप भी एक नेक डॉक्टर हैं आप आज भी अपने पेशेंट यानी मरीजों से फीस नहीं लेते हमें सुनने में आया था कि आपने अपने राज्य में कोरोना संकट में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयाँ गरीब लोगों को फ्री में बंटवाई थी तो सर ये प्रेरणा ये सोच आपको कहाँ से मिली ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है उनकी प्रेरणा है हमारा प्राइवेट मेडिकल स्टोर है भगत जी हमें भी ऐसे लिख दिया था कि मतलब टोटल दवाई फ्री में देंगे मतलब हम एक मिडिल क्लास की फैमिली है हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है लेकिन कैसे वो मैनेज हुआ ग्यारह दिन तक हमने बिल्कुल बारह से तेरह हज़ार बिल्कुल उस टाइम कोरोना का था लॉकडाउन लॉकडाउन शटडाउन था कोरोना का और लगभग हमने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना भगत जी उस टाइम जिस दवाई का थोड़ा खर्चा आता था लोगों को सात सौ से आठ सौ रुपये का खर्चा आ जाता था लोग खरीदने नहीं पाते थे लेकिन परमात्मा की ज्ञान ऐसा था कि वो गुरुजी ज्ञान से ना भगत जी अपने आप से वो लोभ बिल्कुल हट जाता है और दुकान में कैसे कितना लगभग बीस लाख से ऊपर दवाई का ये ज़्यादा होगा पच्चीस तीस लाख होगा इतना मतलब दुकान में कितना दवाई मौजूद था हमें ये कैलकुलेशन नहीं होता है बीस लाख का दवाई हमने बिल्कुल लाए थे ग्यारह दिन में और ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हम भगत जी तीस चालीस पेशेंट देखते थे तो थक जाते थे लेकिन हज़ार से ग्यारह कभी आठ सौ नौ सौ एक दिन तो सोलह सौ सो हुए थे परमात्मा कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे थे बिल्कुल लाइन लगे थे और गुरु जी के प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट रहा ग्यारह दिन तक बत, मतलब गरीब लोगों का गुरु जी की ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया रही और उनकी प्रेरणा से ये हुआ भागा नहीं तो हमें कौन ये सब सोच सकता है भागा जी आम आदमी सर बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली मतलब मोबाइल के थ्रू नाम दीक्षा ली और हम ठीक हो गए उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाई और प्रूफ भी दिखाए मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते और संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए तो सर आज टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है ऐसा कैसे संभव हो रहा है की एक संत इतनी दूर बैठ और ऑनलाइन नाम दीक्षा देकर उनकी बीमारियाँ ठीक कर देता है और सर ये जो आप पूछ रहे हैं मतलब मेडिकल साइंस से इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे ठीक हो रहे हैं एक एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति होता है हमने तो गुरु जी को अपना पूर्ण परमात्मा मान लिया है, औ, है और वो कबीर साहब के अवतार हैं और वो जहाँ पे भी रहें उनका शक्ति मतलब परमात्मा शक्ति ऐसा होता है कि जहाँ पे भी आप लो है मोबाइल में लो या जाके कहीं भी हजारों नामदान सेंटर अभी चल रहा है जहाँ भी आप नाम लो उनका शक्ति काम आएगी भगत जी परमात्मा को हमने कभी देखा है क्या भगत जी अभी अब हमें हमें परमात्मा को कभी हम जिसकी भी भक्ति करते थे राम कृष्ण हनुमान साख्यात कभी देखा है क्या भगत जी टी भी देखे हैं ये राम है ऐसा स्वरूप है तभी तो हम राम माने हैं लेकिन हमने भगत जी प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानते हैं और इसीलिए मेरा एक निवेदन है सभी से जितना भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ कभी इंटरव्यू दे रहे हैं वो उनको फ़ायदा मिला है तभी तो वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कोई अपने मन से नहीं दे रहा है ये और मेरे पास ये सब प्रूफ है देखिए मैं इसमें एक प्रूफ दिखाता हूँ इसमें लिखा है फेरिंगजाइटिस जो फेरिंग्स का गला पिछले भाग का फूल जाता है और इसमें मेरा सी लेवल देखो उसी डेट का है थर्टी है थर्टी ये छः के अंदर रहता है ये पैंतीस बहुत बड़ा हो जाता है बहुत दर्द बहुत बड़ा इन्फेक्शन रहता है और ये ये क्या ये मैं ये समलपुर में देखा था ठीक मतलब अच्छा नहीं लगा मैं कटक में जाके कंफर्म किया फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई गुरु जी बोले ठीक हो जाएंगे और मेरे वो मंत्र के ऊपर इतना विश्वास था मैं दवाई नहीं ली मेरा बिल्कुल ठीक हो गया ये 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 थर्टी फाइव वगैरह ये भगत जी ये इतना जिनको पता है मेडिकल साइंस से आदमी जिनका बढ़ता है बहुत कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है यूरिक एसिड जिनका पड़ता है कभी कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है अभी परमात्मा साखियाँ में एक भी दवाई नहीं खा रहा हूँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ कोई भी दवाई मेरे को संत रामपाल जी की दया से कभी एक भी दवाई नहीं लग रहा है सर बहुत सारे दर्शक आज, आज आपको टीवी पर देख रहे हैं आप एक डॉक्टर हैं आप भी उन बीमारियों से गुजर चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बेगर ऑपरेशन बेगर दवाई के ठीक कर दिया तो जो दर्शक आज, आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रस्त हैं उनके लिए आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ देखो अभी खास करके उड़ीसा का मैं जितना जानता हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है बहुत लाइलाज ऐसे बीमारी है किडनी का बीमारी है हार्ट का बीमारी है लोग बिना गवर्नमेंट तो जितना हेल्प कर रहा है कर रहा है फिर भी लोग बहुत मर रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने बहुत सारे चैनलों में अभी आ रहा है ज्ञान को देखें और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसको आप आप जो आपके घर में है आप जिसको जो पुस्तक है गुरु जी जो बता रहे हैं जो श्लोक बोल रहे हैं आप उसके साथ मिलान करें आपको सही लगे तो आप उस नंबर पे जो चैनल पे नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करें और बहुत सारे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुल रहा है और उसमें आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं धन्यवाद सर थैंक यू